देवता किन्हें कहेंगे? जिनके पास ये देह नहीं है, जो अशरीरी हैं, ये मानवीय तनु उनके पास नहीं है, ये काया, ये कलेवर उनके पास नहीं है, ये संवेदांग उनके पास नहीं, भौतिकीयता उनके पास नहीं, ये जो स्थूल देह है, ये जो देह ये कलेवर उनके पास नहीं है। और इसको अत्यंत महत्वपूर्ण कहा, जब दुर्लभता की गणना की गई इस सृष्टि में अत्यंत दुर्लभ क्या है, तो उस दुर्लभतम पदार्थ की गणना करते हुए शास्त्र कहते हैं मनुष्य होना दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष संशया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अथवा दुर्लभो मानवो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। इस धरती के दुर्लभतम पदार्थों की गणना करते हुए शास्त्र कहता है कि अत्यंत दुर्लभ कोई पदार्थ है तो मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर। दुर्लभ हो मानुष हो देहो, देह बताइए, दुर्लभ हो मानुष हो देहो, पर ये क्या है? क्षण भंगुर है, देही नाम क्षण भंगुर, क्षण भंगुर भी है, ये मिट जाएगी, छीज जाएगी, स्वीकार है, परिवर्तन है। बस इस देह में एक सीधा विकार है, परिवर्तन है, ये बदलती रहेगी, मिटती रहेगी, छीजती रहेगी, और इसके आसपास मृत्यु परिक्रमा करती रहती है, प्रदक्षिणा करती रहती है, मृत्यु उसका भक्षण करती रहती है। क्रमिक घटना है मृत्यु, अचानक नहीं है। कभी कभी दिखता है कि वो अकाल है, अप्रत्याशित है, अचानक आई है, पता नहीं कैसे मृत्यु आ गई ना, वो एक घटना है, क्रमिक घटना है, शने 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 वो आपके पास आ ही रही है, अथवा तो हम उसके मुख में ही है, काल व्याल मुख ग्रास। उसके त्रास से हम मुक्त नहीं हैं। दुर्लभ हो मानुषो देहो, देवता वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते, यक्ष गंधर्व किन्नर और यक्षिणिया योगिनिया विद्याधर नाग प्रेत पितर, इनकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इनके पास अन्य सामर्थ्य है, ये आपको विभूति दे देंगे, धन संपदा दे देंगे, विस्मयकारी अलौकिक और लोगों को कुतूहल लो, ऐसी ऐसी चीजें आपके हाथ लग जाएंगी, पर ब्रह्मानुभूति नहीं कराएंगे, ये ईश्वरानुभूति नहीं कराएंगे, ये सत्य का प्रकाशन नहीं कर सकते, प्रेरित कर सकते हैं, और मनुष्य सत्य का प्रकाशन कर सकता है। विश्वास कीजिए, मनुष्य इंद्र हो सकता है, देवताओं का स्वामी, यम वरुण कुबेर हो सकता है, मनुष्य अपने पुण्यों की छलांग लगाकर ब्रह्मा हो सकता है, विश्वास कीजिए मनुष्य ईश्वर हो सकता है, ये बात वेद में कही है।